लगाऊंगी, तो आप लोग जरूर से देखना ये फ़ोटो कैसा कैसे दिख रही हूँ मैं, और मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड कितने छोटे थे, मैं कितने छोटे। तो फ्रेंड देख सकते हो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड अभी मेरा बहुत कम ब्लॉग आ रहा, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा ब्लॉग बनाना, हम बना नहीं सक नहीं रहे, इसलिए कि हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब कुछ कुछ लोग हैं कि कमेंट करते हैं, रजनी मोटी भैंसी क्या सुहर का मौजू जी क्या 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 मौजू सब दे देता है पता नहीं। तो इसीलिए मैं पूरा भी मतलब डाइटिंग भी कर रही हूँ, यानी कि खाना पीना मैं छोड़ दी पूरा, ऑलरेडी खाना पीना छोड़ दी, ऑलरेडी पूरा खाना पीना मैं छोड़ दी, और अभी सिर्फ सुबह ग्रीन टी पी रही हूँ और फल खा रही हूँ, दोपहर में मेरी बिस्कुट खा रही हूँ, और रात को दो रोटी खा के सो रही हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा मैं फोकस दी हूँ कि डाइटिंग थोड़ा अच्छे से करूँ और अच्छे से आप लोगों के सामने मैं आऊँ, कि आप लोग भी बहुत कमेंट करते हो कि रजनी तुम्हारा पेट भी। तो फ्रेंड क्या करें, मैं जब शादी जब हो गया है, तो शादी करने के बाद, उसके बाद बच्चा होने के बाद, तो आप लोग जितने लेडीज आप लोग सबको पता होगा कि बच्चा हो जाने के बाद औरत का एक पेट निकल ही जाता है। तो पेट निकल गया तो उसमें भी लोग बहुत सारा कमेंट करते, तो आप शायद आप नहीं देखे, तो मैं एक फ़ोटो आप इसमें डालूँगी, आप देखिएगा उसमें मैं इतनी पतली हूँ, इतनी पतली हूँ ना कि आप देखो आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे रजनी ऐसी थी इतनी पतली आप विश्वास नहीं करोगे। तो मैं ज़रूर से ये फ़ोटो मैं थंबनेल में मैं सब कुछ दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आज आप लोगों को वही दिखाती हूँ, तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलती। और फाइनली मेरे घर में आए रानी, शिमल, सोमनाथ सब आए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे बैंक में प्रॉब्लम हो गया, यूट्यूब वाला, जैसे कि यूट्यूब वाला अभी जो इनकम था हम लोग का इस मंथ से नहीं मिलेगा, इस मंथ से नहीं मिलेगा हमारा यूट्यूब पेमेंट। तो इसीलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी अकाउंट खुलाना, खाता खुलना हो, क्योंकि जनधन खाता में ज़्यादा पैसा हम लोग रख सकते नहीं हैं, ये तक आप लोग जानते हैं कि 40,000 से ज़्यादा हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मतलब 1,00,000 से ऊपर रख नहीं सकते, तो ज़्यादा हो गया तो पैसा, तो उसको हम लोग अभी खाता बंद करने के लिए हम लोग बैंक गए थे, बंद करने के बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं सेविंग अकाउंट अभी खोलेंगे, तो उसमें सारा पैसा डालेंगे, तब जाके हमारे यूट्यूब वाला जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट आएगा हर एक मंथ, तो अभी लगेगा। तो आज भी 3 दिन से हम लोग बैंक दौड़ रहे हैं, अब बैंक थक जा रहे हैं आना जाना, और ऊपर सुबह 6 बजे भोर को उठ के जॉगिंग करना, तो आप लोग प्यार देते रहना फ्रेंड, क्योंकि मेरे ज़्यादा ब्लॉग नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं समा चाहती हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा भी परेशान हूँ कि ब्लॉग कैसे डालूंगी, मतलब ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, उधर बैंक का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि नहीं होगा, तब जब तक वो मतलब जनधन खाता हम बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए ऐसे बने रहे, और भी जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे, और हमारे हस्बैंड जी क्या करे, चलिए दिखाते आपको मेरे हस्बैंड जी, प्यारे हस्बैंड जी। तो फ्रेंड हम दोनों का जोड़ी कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्यारे मेरा हस्बैंड क्यूट लग रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड जब सोते हैं ना बहुत क्यूट लगते हैं, टोलू मोलू। मैं फ़ोटो आपको पुराना वाला फ़ोटो दिखाऊंगी कैसे हम लोग दिखते थे, तो आप लोग बन रहे हो चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड चलिए हम आ चुके, जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि आप लोग मेरे पहले का फ़ोटो दिखाएंगे, तो मैं कितनी छोटी थी और कैसी थी, आप लोग तो सोचते कि मैं पहले से मोटी थी, मैं पहले से मोटी एकदम भी नहीं थी, एकदम भी नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं, जैसे सीमल है नहीं, जैसे मनीषा है वैसे मैं भी थी, मनीषा से भी ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत गंदी दिखती थी पहले मैं, एकदम मैं शक्ल सूरत एकदम ठीक नहीं था, और बाबू तानिया उस टाइम हो गए थे, तो मैं और सूख गई थी, कमज़ोर हो गई थी उस टाइम, थोड़ा हम लोग हालत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था हम लोग को उस टाइम, मतलब क्या बोलते हैं रजाकुली में काम करके उस टाइम कितना मिलता था, 120 रुपये मिलता था, अभी नहीं इतना ज़्यादा हो गया है। तो चलिए दिखाते आप सबको, उस टाइम हम लोग 120 रुपये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा,
तो फ्रेंड चलिए हम बैक कमरा करके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अभी सुविधा नहीं है। और हम मेरा जो रिंग लाइट था वो लाना सोमनाथ तोड़ दिया गाइस, मतलब तोड़ दिया मतलब क्या, वीडियो बना रहा था वो गोल गोल घुमा रहा था, तो वो वाला भी रिंग लाइट टूट चुका था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो देखेंगे कुछ दिन बाद एक और रिंग लाइट ले आ जाएगा, क्योंकि बिना रिंग लाइट का वीडियो हमसे भी नहीं बन रहा और डांस वाला वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते। तो चलिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं पहले हम कैसे दिखते थे, और मेरे हस्बैंड भी पर एक फोटो में उसको चेहरा नहीं दिख रहा है, मत बोले कोई और है बोल के, ठीक है, क्योंकि हम पता है कि कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं, हमें सब पसंद नहीं, आई डोंट केयर। तो बैक कैमरा कर हमारा पहले का फोटो, लाइट बहुत ज़्यादा मार रहा दिख भी नहीं रहा, तो देख सकते हो हमारा पहले का फोटो है, मेरे हस्बैंड को देखिए कितने सूखे जैसे लग रहे। देखिए मेरा हस्बैंड पहले ऐसे दिखते थे कमज़ोर, ये तानिया है, बाबू है, और ये हम हैं। देखिए हमको गौर से देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम पहले से मोटे हैं तो आप लोग गौर से हमको देखिए, ये मैं ही हूँ कोई और नहीं है। तो बताना कैसे दिख रही हो, सूखा हड्डी दिख रही हो ना आप लोगों की वजह से। चलो मैं डाइटिंग भी करी, अगर मैं ऐसे हो जाऊँगी बीमारी जैसे दिखेंगे, रोगा चोंगा जैसे। चलिए और एक फ़ोटो है वो भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये ला फोटो, ये भी देखिए मुंह देखिए थोबड़ा देखिए मेरा ना गंदा दिख रहा है, छी छी हमको लग ही नहीं रहा हमें। तो फ्रेंड आप लोगों को लग रहा है कि हम सिंदूर लगाए हैं, हाँ सिंदूर तो लगाए थे जब नए नए आए थे, तो अब नहीं लगाते हैं सिंदूरदानों को, तब लगाएं क्योंकि हम मना किया है। और ये मेरा हस्बैंड है जो यहाँ का फोटो मेरे बच्चे फाड़ दिए हैं, और ये छोटू सा सीमल है देखिए, पुद्दी सीमल पुद्दू सीमल ये है, छोटू सीमल अरे तो गोदी में है अभी, सीमल है देखो छोटू सीमल अरे बाबू। उसके बाद में ऐसे हुई बाबू कितना क्यूट था, छोटू सा था हमारा बाबू, उस टाइम भी उतना मोटी नहीं थे ना जी, ये 4 साल पहले का फोटो, उस टाइम भी उतना मोटी नहीं थे बाबू। कैसे दिख रहा देखो ना का, फिर उसके बाद हम ऐसे हुए, चर्बी निकलने लगा देख सकते हो, उस टाइम बहुत खाती थी तो अब ऐसे हुई। तो देख सकते हो पूरा एक साथ पूरा फोटो को बिछा दिए, अच्छा दिख रहा है। चलिए चलिए फैमिली आप लोग देख लिए मैं कैसी थी और अब कैसी हो, एक्सरसाइज कर रहे पूरा बदन दुख रहा, कम से कम वो ज्यादा पूरा एक महीना वर्कआउट, पूरा एक महीना पूरा मेहनत करेंगे जितना भी हो पाए, एक महीना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे मंजूर है, लेकिन करेंगे तो करेंगे जरूर से। तो फैमिली आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा आप सब, जो था हमने दिखा दिया, अब देखते हैं और डेली लाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग, क्योंकि हम भी हम नहीं ला पा रहे, क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोगों को, जैसे ये सारे डिटेल से हम बता ही दिए कि मतलब बहुत ज़्यादा काम भी हो जा रहा है घर का भी, ऊपर से एक्सरसाइज करते करते मतलब पैर हाथ दुखने लगा, तो कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा, अच्छा ब्लॉग भी नहीं ला पा रहे आप लोगों के लिए। तो जितना भी ब्लॉग है आप लोग देख के बताइए कैसा लगा आप लोगों को, है ना। मेरा हस्बैंड उठ गए, हस्बैंड जी देखा है सोए थे, अभी जाके उठे हैं, जस्ट ड्यूटी से आके सो गए, काम से आके सोया था, अभी थकान अच्छा लगा इसको भी, चलो अच्छी बात है ना। कितने क्यूट दिख रहे हैं, देखिए गोरा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बेल आइकन घंटी जल्द से दबाना, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Bye.